Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 3 students. How are you? I hope you are fine. So ready for new lesson. So open your textbooks at page number 39. Today's topic is the moon. First we will look at the words that we have to know. Cuddle, to hold somebody or something close for comfort or warmth. Kisi ko कडल आम अल्फाज में किसी को गले लगाना, चाहे वो कंफर्ट के लिए, चाहे वार्मथ हासिल करने के लिए, मतलब किसी को गले लगाना, ठीक है. क्यू यू ए वाई, इसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? की, ठीक है. ये की है. अ प्लेटफॉर्म दैट रन्स अलोंग द एज ऑफ अ पोर्ट और हार्बर वेयर बोट्स आर लोडेड. समंदर के किनारे जहाँ पे कश्तियाँ और बाकी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे लोड अनलोड होती हैं या बंधी हुई होती हैं ना, उसे हार्बर जो होता है उससे जो है उसे ये कहते हैं की. ओके, इसको पढ़ने का अंदाज़ ये कि ये की पढ़ा जाएगा. स्क्वालिंग, मेकिंग अ नॉइज़ी डिस्टर्बेंस, कोई ऐसी आवाज़ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो. आज की हमारी स्टोरी जो है वो मून पे है, तो देखते हैं क्या लिखा है हमारी इस पोएम में. द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, ऑन स्ट्रीट एंड फील्ड्स एंड हार्बर कीज एंड बर्डीज एस्लीप इन द फोर्क ऑफ ट्रीज. अब वो मून के बारे में बता रहे हैं कि जो मून का फेस है, यहाँ पे मून की पिक्चर भी है, वो कह रहे हैं फेस जो है वो क्लॉक इन द होल है. ज़्यादातर जो हमारे घर में बड़े से क्लॉक यूज़ होते हैं वो सर्कल शेप में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं इसका फेस जो है वो बिल्कुल क्लॉक की तरह है. क्योंकि जो हॉल में हमारे घरों में जो मेन क्लॉक होती है वो काफ़ी बड़ी लगाई होती है ना, और ज़्यादातर उसका स्टाइल जो होता है वो सर्कल होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि मून का जो फेस है वो ऐसे है जैसे क्लॉक की तरह का है, ठीक है. और क्योंकि जब वो फुल मून होता है यानी इस तरह से पूरा सर्कल होता है तो वो उसकी रोशनी काफ़ी होती है, तो कह रहे हैं कि जितने भी चोर वगैरह कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, थीव्स मतलब चोर, तो वो उनके ऊपर रोशनी डाल देती है, यानी कि वो नज़र आ रहे होते हैं, नज़र आ जाते हैं कि कोई चोर दीवार के ऊपर चढ़ रहा है. और उसके अलावा वो स्ट्रीट यानी कि बाज़ारों पे, और फील्ड्स यानी कि जो खेत हैं ये खुले मैदान हैं, और हार्बर कीज़ जो हमारे पोएट हैं मुमकिन है उनके जो जहाँ पे वो रहते होंगे आसपास उनके पास ये समंदर होगा, हार्बर होगा जहाँ पे शिप्स लोड अनलोड होते हैं या बोट वगैरह होती होंगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि बाज़ारों पर, मैदानों पर, खेतों पर और हार्बर कीज़ पर भी जो है ना वो अपनी लाइट डालती है. आप हार्बर कीज़ को अंडरलाइन कर लेंगे, आपके लिए मेरे ख्याल से काफ़ियों के लिए न्यू वर्ड होगा. And bird is asleep in the fork of trees. क्योंकि जब मून शाइन कर रहा होता है ना, जब अब तो 14th रमज़ान गुजर गया है, और अगर आप देखते ना कुछ दिन पहले तो बहुत रोशनी थी चाँद की, 14 के बाद वो कम होने स्टार्ट हो जाता है ना, तो 14 को आपको फुल मून नज़र आता है, तो उस दिन अगर आप अपनी लाइट्स ऑफ कर दें फिर भी आपको अच्छी खासी रोशनी बाहर नज़र आएगी, तो आप उसमें हर चीज़ नज़र आ रही होती है. तो कहते हैं जो इवन के जो बर्ड्स होते हैं अगर वो सो रहे होते हैं ना, फोक्स ऑफ ट्री, पहले आप ये सेंडा का लाइन करें, फोक्स ऑफ ट्री क्यों कहा गया है, ट्री की जो ब्रांचेज होती है ना अगर आप अपनी पिक्चर में देख तो इस तरह से होती है और यहाँ से भी निकल रही होती है, बिल्कुल जैसे फोर्क नहीं होता है, फोर्क के तीन आगे टोंग्स होते हैं, तो इस तरह से वो ट्री के भी ना ब्रांचेज अलग अलग से निकल रहे होते हैं, तो उसे जो हमारे पोइट हैं उन्होंने से फोक की तरह, उन्हें फोक दिख रही होंगी तो उन्होंने कह दिया फोक जो है वो कांटा उसकी तरह लग रहे हैं, वो कांटा जिससे हम खाना खाते हैं, यहाँ पर उस फोक का जिक्र हो रहा है. ओके, तो कहते बिल्कुल उसकी तरह उसके, क्योंकि जो फोर के जो ब्रांचेस की ऐसी जगह होती है ना वहाँ पे अमूमन बर्ड नेस्ट बनाता है, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी बर्डीज़ जो हैं, हम प्यार से ना बर्डीज़ वगैरह या ज़्यादा बर्ड्स को कहते हैं, तो इसलिए फिर वो कह रहे हैं जो सो रहे होते हैं ना वो भी हमें नज़र आ रहे होते हैं, इतनी रोशनी होती है मून की. द स्क्वालिंग कैट एंड स्क्वीकिंग माउस, कैट्स जो हैं बिल्लियाँ रात को कभी आवाज़ करें, ये बिल्लियों की आवाज़ है स्क्वालिंग एंड स्क्वीकिंग. माउस जो एक चीखने वाली पतली सी बारीक सी आवाज़ होती है ना उसे स्क्वीकिंग कहते हैं, ठीक है. जो माउस का साउंड होता है, जो चूहे की आवाज़ होती है उसे स्क्वीकिंग कहते हैं.
तो कहते हैं वो भी सुनाई जो है ना दे रही होती है कि कहाँ से आ रही है, द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस। और जब जाहिर सी बात है जब कैट आवाज़ निकालेगी, जब कहीं ना कहीं माउस इस तरह की चीज़ें आवाज़ निकालेंगी, तो जो डॉग होते हैं वो तो वैसे ही बहुत जल्दी जो है वो अलर्ट हो जाते हैं किसी इस तरह के साउंड पे, तो वो भी हाउलिंग, वो जो आवाज़ें निकालते हैं उन्हें हाउलिंग कहते हैं, तो वो भी हाउलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं उन पर भी जो है चांद रोशनी डाल रहा होता है। द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून। वो कहते हैं कि जो बैट होती है, जो चमगादड़, मेरे ख्याल से उसे कहते हैं उर्दू में चमगादड़ जो होती है, वो रात को आपको घूमती हुई नजर आती है। बर्ड्स, एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं वो रात को सो रहे होते हैं। एक बर्ड, सॉरी एक बैट और एक आउल, ये दो हैं जो आपको रात को घूमते फिरते नजर आएंगे। तो वो सुबह में आराम कर लेते हैं, तो वो भी जब चांद की रोशनी आती तो उन्हें तो अपनी जो है वो खाने पीने की चीज़ें आसानी से नज़र आने लग जाती है ना, अगर चांद की रोशनी हो तो वो जो हैं वो मज़े से वो भी बाहर आ जाते हैं। बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। अब वो कहते हैं जितनी चीज़ें दिन में जाग रही होती हैं, जिनका ताल्लुक दिन से जागने का, दिन से काम करने का है, वो रात के, वो कहते हैं नींद के आगोश में चले जाना, बिल्कुल ऐसे कडल टू स्लीप, वो भी जो है ना वो बिल्कुल नींद के आगोश में चले जाते हैं। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल राइज। और जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, जानवर हैं, वो तमाम जो है अपनी आँखें बंद करके सो जाते हैं जब तक उन्हें सूरज आके नहीं जगाता। सन शैल राइज, जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक सुबह नहीं होती, तो हम आराम से सो रहे होते हैं। यहाँ पे ना मून जो है उसकी खूबसूरती बयान की गई है, उसकी खासियत भी बयान की गई है। वो पहले तो बताया हुआ है कि उसको सर्कल है, बिल्कुल हमारे जो हॉल की क्लॉक है उसकी तरह का दिखता है। उसके अलावा फिर उसकी जो रोशनी है उसके बारे में बताया, वो कितनी तेज़ होती है कि वो जितने अगर कोई चोर वगैरह खुदा ना खासा कहीं आ रहा है तो वो भी नज़र आ जाता है, और जितने भी खुले मैदान हैं, स्ट्रीट्स हैं, फील्ड हैं, हार्बर कीज हैं, वो भी नज़र आ जाते हैं उसकी रोशनी में। इवन जो बर्ड्स नेस्ट पे सो रहे होते हैं, अगर दरख्त बहुत ज़्यादा घना नहीं है तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा, अगर नेस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर बनाया हुआ तो वो नज़र नहीं आएगा, तो आप तो कहोगे टीचर कही थी वो भी नज़र आता है। नहीं, जो बर्ड नेस्ट थोड़ा नीचे बना लेते हैं ना जो शुरू के ब्रांचेस में, वो आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। और जितनी भी कहाँ पे कैट जो है वो स्क्वेलिंग कर रही है, कहाँ पे माउस क्विकिंग कर रहा है, कहाँ पे डॉग हाउलिंग कर रहा है, सब पता चल रहा होता है रोशनी में। और जब सब सो रहे होते हैं तो हमारी जो बैट है वो बाहर निकल के घूम रही होती है, क्योंकि रोशनी में उसे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है कि उसे सब अपना जो वो ढूंढना चाहती है खाने पीने के लिए, वो सब उसे आसानी से नज़र आ रहा होता है। और बट ऑल थिंग्स दैट बिलोंग, और बता रहे हैं कि जितनी जिनका ताल्लुक दिन से है, जो सुबह के टाइम जो है काम करते हैं या सुबह के टाइम चीज़ों का ताल्लुक है जागने का, वो तमाम इंसान हो, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हो, जब रात आती है तो नींद के आगोश में चले जाते हैं और तब तक सोए रहते हैं जब तक उन्हें सूरज नहीं आके जगा देते। ओके, सो इंटरेस्टिंग थी, छोटी सी पोएम थी, इंटरेस्टिंग सी पोएम थी काफ़ी, और इसमें काफ़ी न्यू वर्ड्स हैं। डेफिनेटली कडल आपने बहुत कम सुना होगा, ज़्यादातर जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हग यूज़ करते हैं, किसी को गले लगाने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो न्यू वर्ड है कडल, और ये की तो जो आपने बिल्कुल ही नया वर्ड होगा, स्पेशली इसकी प्रोनाउंसिएशन आपके लिए न्यू होगी क्योंकि ये स्पेलिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है लिखने में और पढ़ने में। और स्क्वेलिंग भी शायद ये आपने पढ़ा होगा कहीं, लेकिन काफ़ियों के लिए भी नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इन वर्ड्स को, आपने, मैंने इनको अंडरलाइन करवाया हुआ, उसके अलावा आप यहाँ पे अंडरलाइन करें थीव्स, फील्ड्स, हार्बर, बर्डीज, स्क्वेलिंग, स्क्वीकिंग, हाउलिंग। आई थिंक दैट्स इनफ। ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं जो आपने अपनी नोटबुक में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो आपकी जो डायरी है उसमें है कि बुक रीडिंग, सो आपने द मून की बुक रीडिंग करनी है। और अगर आपको रीडिंग में कोई मसला आ रहा तो आप इस वीडियो से गाइडेंस ले सकते हैं।
प्लस यू विल राइट द डिक्टेशन वर्ड्स. जो मैंने आपको वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हुए हैं, मैंने अंडरलाइन, क्योंकि ये पेज थोड़ा डार्क है तो मुमकिन आपको मेरी अंडरलाइनिंग नज़र ना आ रही हो, इसलिए मैंने आपके लिए उन वर्ड्स को रीड अलाउड किया है. और अब जो मेन टास्क आपका, इसमें पोएट ने तो बताया कि उसके रात को क्या क्या चीज़ें सुनाई देती है और क्या क्या जो है वो चांद की रोशनी में देख सकता है. अब आपने एक पैराग्राफ, आपकी नोटबुक का एक पेज, ठीक है, आपने वो लिखना है और उसका टॉपिक क्या होगा, थिंग्स आई सी एंड हियर एट नाइट. ओके, आपका टॉपिक क्या होगा, योर टॉपिक विल बी थिंग्स आई सी एंड हियर या हियर एट नाइट. और अब आपने ऑब्जर्व करना है, आपने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये पैराग्राफ लिखना है कि आपको रात में क्या क्या चीज़ें चांद की रोशनी में नज़र आती हैं. आजकल भी रोशनी है चांद की, तो आप रात को लाइट्स ऑफ करके देख लेना को आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं और आपको किन किन चीज़ों की खामोशी में आवाज़ आती है. ठीक है, तो आपने उसका एक पैराग्राफ लिखना है. आप जो चीज़ें पोएट का नज़र आती है ना, बस इन अल्लाह ना करे थीफ्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं, और हार्बर कीज़ हमारे यहाँ गोजरा में कहीं पास पर हार्बर नहीं है, तो इसके अलावा बाकी वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें भी नज़र आती हैं. तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से वर्ड्स जो है उसकी हेल्प ले लेनी है, क्योंकि जैसे वह सेंटेंस मेकिंग है तो आप कहोगे हमें सेंटेंस मेकिंग मुश्किल लग रही है, नहीं, आपने यहाँ से इनकी हेल्प लेके आपने ये अपना पैराग्राफ जो है टास्क का वो कम्प्लीट करना है कि क्या क्या चीज़ें आपको रात को नज़र आती हैं और आपको सुनाई देती हैं. आई होप आपको टास्क मज़े का लगा होगा, एंड जो न्यू वर्ड्स हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे. एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट द डिक्टेशन वर्ड्स इन योर नोटबुक्स. सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.